दे बोलो और साहब के ठीक है ठीक है चलो। राधे राधे एंड वेलकम टू जीकेडी व्लॉग्स। जय हो। राइट, सो एज द टाइटल स्टेट्स, हाउ टू मेक अ होम इन बरसाना। एवरी वन वॉन्ट्स टू हैव एन होम ऑफ देयर ओन, होम, अपना घर सब चाहते हैं। मेरा भी एक घर बने, एक सपना होता है लोगों का ना। एंड सम पीपल हैव अ ड्रीम टू मेक देयर होम इन मुंबई, इन दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। लेकिन वहां पर तो शायद आपका घर बन जाएगा, लेकिन बरसाना में हाउ डू आई मेक अ होम इन बरसाना। बरसाना में जमीन कहाँ मिलेगी हमें घर बनाने के लिए? व्हाट इज द प्रीमियम लोकेशन? व्हाट इज द कॉस्ट? बरसाना में भी क्या मेरा घर हो सकता है? बरसाना इज द होम ऑफ श्रीमती राधा रानी। सो टुडे इन दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू टेल यू योर वेरी ओन जीकेडी हाउ यू कैन गेट अ होम इन बरसाना। जस्ट लुक एट द व्यू, लुक एट द दर्शन। तो आइए सफर शुरू करते हैं। अब आप देखना जहाँ पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ उसकी सुंदरता और उसकी ब्यूटी कितनी है, जहाँ पर आपका घर शायद बन सकता है। लेट्स गो। राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय हो। चलो अपना सफर शुरू करते हैं। बैठ जाते हैं हम अपनी बाइक पे, बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करवाया है, और देखते हैं बरसाना में कहाँ पे अपना घर बन सकता है। राधे राधे बोलो और साथ में जीकेडी के चलो। कैसा लगा आपको व्यू और हमारी बाइक राइड? ये जो आपने व्यू लिया था, इट्स नॉट जस्ट अ व्यू, इट्स दर्शन फ्रॉम श्री बरसाना धाम, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अब हमारे, मैं साइट पे आ चुका हूँ और कॉन्ट्रैक्टर को भी मैंने बुलाया था कि भैया हमें दिखा दो जरा क्या है आपका साइट क्या है और कहाँ पर आप हमारा घर बनवा सकते हैं, वो भी बरसाना में। मिलते हैं उनसे, नाम है राकेश जी। ठीक है राकेश भैया, राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। ये हैं राकेश जी और ये मेरे मित्र हैं और ये हमें बताएंगे पहले तो बरसाना के बारे में। जब आपको घर लेना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस साइड पे घर लेना चाह रहे हो और वहाँ की इम्पोर्टेंस क्या है, वहाँ की लोकेशन का प्रीमियम लोकेशन क्यों कहलाती है, यू नो। सो लेट्स लिसन फ्रॉम राकेश जी। राधे बोलो, बरसाने बारे की जय हो। जय हो। बरसाना में घर बनाना आसान नहीं होता है भाई जी। बरसाना में घर बनाने के लिए स्वयं भगवान जी भी तरसे हैं यहाँ के लिए। स्वयं ब्रह्मा जी ने राजस्थान के पुष्कर शहर में 60,000 साल कठोर तपस्या करने के बावजूद यहाँ पे बरसाना में अपना पर्वत के रूप में एक स्थान ग्रहण किया है, जिसको आप घर कह सकते हो। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो एक छोटा सा मकान बनाते हैं तो वो पहाड़ी परी सबसे पहले बनाना पड़ता है उनके लिए। तो यहाँ के लिए किसी विद्वान ने कहा है कि बरसाने की वास की आस करें शिव शेष, और जाकी महिमा को कहें श्याम रखें सखी भेष। इसका अर्थात इसका मतलब ये है कि बरसाना की आज तो भगवान शिव शंकर भी करते रह गए, उनको भी यहाँ पर स्थान नहीं मिला। उनको जो स्थान मिला था वो नंदगांव में एक नंदेश्वर पहाड़ी है, जो नंद बाबा का मंदिर बना हुआ है वहाँ पर वो स्थित है, वहाँ पर उनको स्थान मिला था। इसलिए ब्रह्मा जी को जहाँ पर स्थान मिला था वो पर्वत रूप में स्थान मिला था, और जो राधा रानी जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण जी हैं वो सखी रूप में विराजमान है। अच्छा, अपने रूप में विराजमान नहीं है, सखी रूप में विराजमान है राधा। राकेश भैया ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं कि सबसे पहले तो बरसाना में घर बनाना नामुमकिन है, इट्स इम्पॉसिबल। ब्रह्मा द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स वॉन्टेड टू मेक अ होम इन बरसाना, बट ही गॉट
पहाड़ के रूप में उनको किशोरी जी ने यहाँ पर अलाउ किया ताकि किशोरी जी के चरणों की रज उनके ऊपर पड़ी रहे, तो वो पहाड़ बन गए। भगवान शिव जी को बरसाना में स्थान ना मिलकर नंदगांव में मिला, नंदीश्वर पर्वत, ठीक है ना। आपको मिल सकता है एक घर बॉम्बे में या दिल्ली में या बैंगलोर में, या बना लोगे आप अमेरिका में कोई घर, यू नो वी हैव एन अपार्टमेंट, वी हैव अ रिजॉर्ट इन दिस कंट्री। पैसों के दम पे आप बरसाना में घर नहीं खरीद सकते हो, ये याद रख लीजिएगा। लेकिन अब फिर बरसाना में घर बनाया कैसे जाए, और मुझे कमेंट करके बताओ किस किस को बरसाना में किशोरी जी के अपने घर में घर बनाना है। भैया बरसाना में घर कैसे बनाएं? चलो भाई जी हम बताते हैं कैसे बनाते हैं, आइए बताओगे आप? बिल्कुल पक्का आपके पास है? पक्का भाई जी, प्रॉपर्टी आपके पास, लैंड है, और कैसे बनाना है सब कुछ आपके पास सिस्टम है, सब राधा रानी की कृपा से बनेगा यहाँ पे। चलो फिर श्री राधा रानी की कृपा से बनेगा सब कुछ, देखते हैं कैसे घर बनेगा, लेट्स गो। ओ भैया देखो वो लाली घर बना रही है बरसाना में। यस वो लाली घर बना रही है बरसाना। अच्छा, हाँ एक लाली है वहाँ पर जो घर बना रही है, तो वो हमारा भी घर बनवाएंगी? जी बिल्कुल, आपका घर वही बनवाएंगे। ब्रह्मांचल पहाड़ी पर है ना जो राधा रानी मंदिर पर अपना घर बना रही है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, वही आपका घर बनवाया? लाली राधे राधे। अरे लाला राधे 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 राधे, कैसे हो आप? तो वही लाला है ना जो मैं वहाँ मिले थे, कहाँ? रावल में। लाली आपने मेरे को लड्डू भी खिलाए हो। अरे हाँ। और लाली सबने आपके दर्शन करियो और सब बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। है जी लाली। अच्छा वो लाडली लाल का प्रसाद बहुत अच्छा था ना? लाली बहुत आनंद आये उसको, प्रेम से उसको खाकर बहुत आनंद आये। लाली क्या कर रहे हो आप अभी? अरे यहाँ पे मैं घर बना रही हूँ। घर बना रहे हो? घर बना रही हूँ। तो घर बनाने के लिए तो कुछ सीमेंट कुछ बहुत बड़े बड़े बहुत ताम झाम चाहिए हो, आप क्या कर रहे हो? ये कैसे घर बना रहे हो? घर ना बने सीमेंट और पत्थरों का, देखो ये किशोरी जी की कृपा से बना है। आप थोड़ी आगे आ जाइएगा, आ जाओ थोड़ा आगे आ जाओ। ये लाली दिखा रही है हमें कि बरसाना में घर कैसे बनता है। राधे राधे, ऐसे बना घर। अच्छा हाँ, यहाँ पे सब बना मैं अपना घर, तभी तो बरसाना धाम में वास मिलता है। अच्छा लाडली जी की कृपा हो तो बरसाना में वास मिलो। राधे राधे राधे, शहरों में लोग रहे घर बनो, वो घरों में बेकार। ये लाला ये देख रहे है ना कैसे बना रही हो घर? हाँ जी लाली देख रहा हूँ मैं। ऐसे घर बनाए यहाँ पे शहरों के कोई घरों में, पसीने में मरते रहो यहाँ हवादार। इधर से क्या बोल रहे हैं वो, क्या डब्बा सा चला है जिसमें ठंडी हवा निकले? उसे कहते हैं एसी। जे बात है। ये ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से छत बन रही, ये घर बन रहो, इतना सुंदर घर, बहुत ही प्यारो घर बना दियो आपने लाली। तो राधा रानी की कृपा प्रसाद मिला है, फिर बरसाने में धाम वास मिला और घर मिला। लाली मेरे को भी घर बना लो बरसाने। मेरे को भी, हाँ, तू मेरे को ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हो और उन सबको भी तो बरसानों में घर बनाना है। ये बात तो है। तो बरसाना में कौन घर बना सको? पैसों से तो बरसाना में घर ना बन सके। ना ना बिल्कुल भी ना, पैसों से घर ना खरीदो जा सके बनाया जा सके, शहर में तो हो सके बरसाना धाम में बिल्कुल ना बन सके। कौन बना सके, कौन रह सके जिसे राधा रानी की कृपा मिले। तू बहुत अच्छा लालो है, तू प्रचार करे राधा नाम का। राधे तू रह सके बना सके, राधा रानी की कृपा है तेरे पे, तू पे बहुत कृपा है, खुश रह तू बना सके। आ मैं तेरे को बताती हूँ, ये लाला बना है घर लाली जी के लिए, बहुत सुंदर घर बना। लाली यहाँ बनाए घर? हाँ यहाँ बना सका। चलो जे अब पत्थर रख दो यहाँ, यहाँ घर बनाएंगे हम। ए लाली मैं कुछ बोल लूँ? हाँ बोल। लाली तू बोली बहुत है,
तुबत बचन का भैया इधर आ जाएंगे आप थोड़ा पास, बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला है बरसाना में घर बनाने के लिए आपकी ओर से। अब मैं ये घर बनाने जा रहा हूँ। 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, फ्लैट चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, पूरी बिल्डिंग चाहिए। किशोर जी के हम पे कृपा हो रही है, आइए। मैं दिखाऊं सबको अपना घर, हमारा घर। ये सिर्फ मेरा घर नहीं है, आप सबकी ओर से मैं बरसाना में यहाँ पर घर बना रहा हूँ। यहाँ पर मेरे श्यामा श्याम रहेंगे, युगल सरकार रहेंगे। ए लाली, मेरा घर तो बहुत प्यारा बन रहा है, बहुत प्यारा है ना, बहुत प्यारा है ये तो। तुम्हारा लालो का घर, मेरी तो लाली का घर हो। लाली के साथ रहे। हाँ, लाली के साथ रहूंगा। जय हो, भक्ति करो। अरे लालो। हाँ लाली, बना लियो घर। लाली देखो ना मेरा घर कैसा बना हुआ है। तेरा घर तो मेरे से भी बड़ो बना और सुंदर भी। सच्ची लाली देखो मेरा घर। ये मेरा घर ना हो, ये सबका घर है जो देख रहे हो है। और ये श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जी की कृपा से बनो है। ये हमारे गुरु परंपरा की कृपा से बनो है, गुरु और गौरांग की कृपा से बनो है, मेरे माता पिता की कृपा के कारण ही बनो है, और सभी वैष्णव और सभी वैष्णवों की कृपा से बनो है। देखिए भक्तों, बरसाना में घर नहीं बना सकते हम, हमारी योग्यता नहीं है। श्री जी किशोरी जी लाडीलाल जिनको यहाँ बुलाती है, कहते हैं हमारे रूप गोस्वामी ने कहा है पूरे समस्त ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ है विष्णुलोक, विष्णुलोक से भी श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से भी श्रेष्ठ है श्री वृंदावन धाम, वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन, गोवर्धन से भी श्रेष्ठ श्री राधा कुंड। और जहाँ पर आप इस समय घर बना रहे हो वो तो हमारी श्री जी का अपना घर है बरसाना। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, ये घर आप सभी के लिए है, ये घर कभी भी टूटेगा नहीं। हम सब लिखते हैं परमानेंट एड्रेस, है ना, अपने घर का एड्रेस होता है ना परमानेंट एड्रेस, लेकिन जब मृत्यु आ जाएगी तो घर छूट जाएगा, सब छूट जाता है, बैंक बैलेंस, जॉब, बिजनेस, सब कुछ छूट जाता है। दिस इज योर परमानेंट होम, ये आपका परमानेंट घर है। राधा रानी आपको घर बनाने के लिए परमिशन दे दे, एक मौका दे दे, उससे ज़्यादा कृपा क्या हो सकती है। जब आप बरसाना आए तो अवश्य अपना परमानेंट होम बनाना ना भूलिएगा। लाली लाली, मेरा मन अभी ना भरा हुआ है। ना भरो तेरा मन। ना मेरा ना भरो। चलो मन। और घर मेरा बनाएंगे। ना भरो मन। राधे। अच्छा सभी कमेंट तो कर दो, राधे देखो कितना प्यारा सा घर बनाया है, इसमें श्री जी की कृपा हमेशा आपके घर पे बरसती रहेगी। मेरा मन ये कह रहा है लाली कि बहुत और सारे घर बनाऊं, जो लोग भक्त नहीं आ पा रहे ना बरसाना में उनके लिए भी मैं घर बनाने की इच्छा में। बिल्कुल लाला, तो चले बनाऊं मैं। हाँ, जे रास्ता जो जा रहा है सीधा, जे रास्ता सीधा, वहाँ पे हम घर बनाएंगे बहुत सारे। चलो चलो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे 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 गोविंद राधे। ये देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर, बहुत सारे भक्त अपना परमानेंट घर बना रहे हैं। चलिए आपके लिए मैं भी बना रहा हूँ। अरे कॉन्ट्रैक्टर साहब यही घर बना रहे हुए। अरे ये जितने भी होते हैं ना NRI ग्रीन्स और ये सारे के सारे, है ना, आप आपके घर बनाते हैं। ये देखो हमारा कॉन्ट्रैक्टर साहब बरसाना के, आप भी अपना घर बनाइए ना। बिल्कुल भैया, मैंने बना दिया और सबके लिए बना रहा हूँ मैं। बढ़िया, राधे राधे। आपने तो बड़ा प्यारा घर बनाया भैया, एकदम ये एकदम सेट हो गयो। वाह जी वाह, ये देखो अच्छा लगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये वाला दिखाओ, ये वाला दिखाओ, ये घर दिखाओ। आपका नाम क्या है भैया? मानस शुक्ला। मानस शुक्ला जी,
मानव शुक्ला जी थोड़े स्मार्ट लड़के हैं, इनके बारे में बताऊंगा मैं कभी। राधे राधे बोलो। राधे राधे। राधे राधे। सबका घर दिखाओ आप, सबका घर दिखाओ। ये देखो, ये तो घर नहीं बना रही, तो महल बना रही हूँ। ये तो भाई साहब पूरा महल बना दियो। वो देखो, हाँ वाह जी वाह। और देखते हैं, राधे राधे भैया, उन्होंने बना दिया ये। इधर से दिखाओ, इधर से आएगा सीन, यहाँ से ऐसे दिखाओ। ये दिखाओ भैया, खुद बोल रहे हैं, ये दिखाओ जरा। ये तो बन रहे हो, पूरी अपार्टमेंट बना दियो आपने। ये देखो, ये इनका 1 BHK, ये 2 BHK, ये 3 BHK। राधे राधे भैया, बोलो राधे राधे। ये देखो, ये माताएं भी बना रही हैं अपना घर। इन्होंने क्या बनाया हुआ है? अरे छोटो ना, ये ब्रह्मा जी को भी नहीं मिल रहा यो घर, देवी देवताओं को भी ना मिल रहा। जय जय श्री राधे श्याम। चलो राधा रानी की जय हो। अरे यू क्या है, इनने तो भाई पूरा पर्वत ही बना दिया अपना घर। ब्रह्मा जी को खड़ा कर दिया है ना। अरे वाह जी वाह, राधे राधे। हाँ लग रहा है ये बॉम्बे वालों ने बनाया हो, दिल्ली वालों ने बनाया हो, गुजरात वालों ने बनाया हो, ये पंजाब वालों ने बनाया हो, ये तो कुरुक्षेत्र वालों ने बनाया हो। ये मेरा बन गया भाई साहब। राकेश भैया हमें कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, बताइए भैया। जो ब्रह्मांचल पर्वत पर इस पहाड़ी पर जो पत्थरों से मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो राधा रानी जी स्वयं उनका यहाँ पर बरसाना वास दे देती हैं, घर बनवा देती हैं उनका। जय हो, बहुत बड़ी कृपा करती हैं उन पर। जय हो, सभी भक्तों पर राधा रानी कृपा हमेशा बनी रहती है जो घर बनाते हैं यहाँ पे। तो आपको जो मैं और घर दिखाता हूँ सबको, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था और वीडियो का टाइटल आपको लगा होगा, GKD हमें ये बताने वाला है कि बरसाना में हम घर कहाँ पर ले सकते हैं और कहाँ बना सकते हैं। ये है जो आप घर बना सकते हो और घर ले सकते हो बरसाना में। आपने ब्रह्माचल पर्वत पर पत्थरों से अगर घर बना दिया, जिस देश में, जिस शहर में, जितना बड़ा घर आप बनाना चाहोगे, सपना जो आपका होगा, किशोरी जी अवश्य पूरी करेंगे। ये देखो कितने सुंदर सुंदर घर बनाए हैं, और मैंने भी, आपके GKD ने भी आपके लिए घर बरसाना में बनाया है। सो आई गेस दिस वीडियो इज नॉट ऑन इंटरनेट, ये YouTube पे शायद किसी ने नहीं बनाई है, पहली बार YouTube पे आई है। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। मैं अक्सर ये बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका घर बरसाना में ना बने, मैं चाहता हूँ आप सबका घर अवश्य बरसाना में बने और श्री जी की कृपा आप पे जरूर बरसे। ये देखिएगा, आप सबकी ओर से बहुत सारे घर बनाए हैं, और कमेंट कर देना जिस जिसको अपने घर बनवाने हैं श्री बरसाना में। GKD इज गोइंग टू कम बैक एंड टेक योर नेम एंड मेक ए होम फॉर यू इन श्री बरसाना। आई सी यू इन द कमेंट सेक्शन। राधे राधे। एंड ऑल्सो लेट मी नो अगला व्लॉग आप कहाँ से देखना चाहेंगे। अपनी गाड़ी एकदम तैयार है जाने को। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय जय श्री राधे, श्री बरसाने वारी की जय, लाडली लाल की जय हो, किशोरी प्यारी की जय, वृषभानु दुलारी की जय, कीर्तिदा सुंदरी की जय, श्री राज राजेश्वरी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम, सबको मिले श्री बरसाना धाम। चलो चलते हैं। राधे राधे।